मैडम आज दिख रही हो, ब्लू बैग दिख रहा है, ये शॉपिंग करके मैं पर बहुत अच्छा चीज लिया। क्या पति के पैसे उड़ाने का मजा ही अलग है। पश्मीना बुटीक देख लो। हाँ यार सही में गर्म कर रहे हैं, तो हिमालयन जेम्स पश्मीना बुटीक। इधर आओ इधर। गरम हो रहा है। लेगी पानी पूरी। धीरे धीरे भैया, एकदम फटाफट दे देता। अच्छी है, एक मजा खिलाना। खा लो दो ये। शॉपिंग फिनिश, पानी पूरी फिनिश, अब हम चल रहे सीधा होटल की तरफ। चलो होटल आ गया, अब हमें फटाक से हमारे रूम में जाना है, चेंज करना है, फ्रेश होना है और फिर वापस नीचे उतरना है डिनर के लिए। एक्चुअली भूख तो नहीं है क्योंकि हमने पानी पूरी खा ली थी, बट फिर भी थोड़ा बहुत कुछ खा लेंगे ताकि रात में परेशानी ना हो और सुबह जल्दी उठ सके। चलिए चलिए फटाफट। थैंक यू सर। अब हम आ गए हमारा डिनर करने के लिए। सच बता रही हूँ गाइस, मेरा कोई हाई एक्सपेक्टेशन नहीं था लद्दाख के खाने को लेके, बट सुबह जो लंच किया था बहुत अच्छा था। लेट्स सी डिनर में क्या है, आई थिंक ये भी अच्छा ही होगा सुबह की तरह। ये सूप है, टोमेटो ओपन करो। ओपन टोमेटो सूप। मटर पनीर है सर या आलू गोभी? आलू गोभी। अच्छा, मटर पनीर, आलू गोभी, भिंडी और हाका नूडल। यस, स्प्रिंग रोल। ओके, सब वेज है। नान, कड़ी नहीं, कस्टर्ड। ओके, अभी हम हमारा डिनर करते हैं और आपसे अब कल सुबह मिलते हैं। बाय। गुड मॉर्निंग गाइज, आ गए हम लोग हमारा ब्रेकफास्ट करने के लिए। आज एक बहुत एक्शन पैक दिन रहने वाला है, हमें बाहर भी जाना है। ये हमारे सामने है कॉर्नफ्लेक्स, इडली, सांबर, यहाँ पे क्या है, ये है उपमा, आलू पराठा। गाइज ये तो मैं बहुत दिन से खाना चाह रहा था, आलू पराठा। उसके साथ में है इडली के लिए चटनी है, यहाँ पे दही है, कुछ अचार है और कुछ फ्रूट्स हैं। फ्रूट्स के साथ में जूस भी है, जूस बोलने के लिए था पर ये है फ्रूटी। बाकी यहाँ पे ब्रेड टोस्ट, बटर जैम, वो सब भी अवेलेबल है। खाना इस होटल का भैया एज यूजुअल बहुत अच्छा है, हाईली रिकमेंडेड है। अगर आप ले आ रहे हैं द मैत्रिया, ज़रूर रुकें। तो आज हम लोग निकल चुके हैं हमारे ले टूर के लिए। आज हम आसपास ही घूमेंगे, थोड़ा एक्लेमेटाइज होंगे। आज हमारे लिस्ट में है पत्थर साहिब गुरुद्वारा, संगम और मैग्नेटिक हिल। तो
तो देखते जाइए, मज़ा लेते जाइए। मैं चाहता हूँ आप लोग यहाँ पे ज़रूर वीडियो पॉज करके इसे पूरा पढ़िए कि क्या लिखा है इसमें। बहुत अच्छा मैसेज है, हमारी इंडियन आर्मी हमारे अच्छे कल के लिए आज हमारा उनका सैक्रिफाइस कर रही है, और कितने अच्छे से इन्होंने लिखा है, उसको पोर्ट्रे किया है। सच्ची में यहाँ पे लद्दाख में, लेह में जब आओ तो इंडियन आर्मी का जो काम है वो एकदम अच्छे से समझ में आता है। मुंबई, चेन्नई या कहीं पे भी बैठे बैठे किसी को समझ में नहीं आता है कि वो क्या कर रहे हैं, पर यहाँ पे आओ तो मालूम पड़ता है कितनी सेफ्टी की जिम्मेदारी उन्होंने ली है। गाइज, अब हम पहुंच चुके हैं हमारे पहले डेस्टिनेशन पे, जो है पत्थर साहिब गुरुद्वारा। इस गुरुद्वारे की खासियत है जो हम आपको अंदर जाके बताएंगे। गुरुद्वारे के अंदर एंटर होते ही हमारी नज़र पड़ी थी इस बोर्ड पे, जिस पे क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि यहाँ पे आने के लिए आपका एक ड्रेस कोड है और आपको आपका हेड कवर करके आना है, कैप नहीं चलेगा। मैंने अपने सर पे चुन्नी ले ली और इन्होंने भी अपने सर पे कपड़ा बांध लिया है। अब हम अंदर चलते हैं। हमारे राइट हैंड साइड में ही बहुत बड़ा लंगर हॉल है, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे सबके खाने के लिए बहुत अच्छी जगह है। खाने से मुझे याद आता है कि गुरुद्वारे में जब हम आते हैं तो हमें कड़ा प्रसाद मिलता है, जो आगे मिल रहा है और हम दर्शन करने के बाद लेंगे, जो बहुत ही टेस्टी होता है, पूरा घी में बना रहता है, बहुत बढ़िया रहता है। हमने हमारा दर्शन तो कर लिया। अब जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था कि इस गुरुद्वारे की खास मान्यता है, इसके पीछे एक स्टोरी है जो आप इस बोर्ड पे पढ़ सकते हैं। पॉज करके डेफिनेटली पढ़िएगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा जैसे हमें लगा था। हमने फाइनली हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन, हमारी सुबह की शुरुआत गुरुद्वारे के दर्शन से कर ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे सेकेंड डेस्टिनेशन पर, जो है संगम। आप देख सकते हैं हम संगम ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं। अब हम जल्दी से गाड़ी से उतर के आपको अच्छा सा व्यू दिखाते हैं संगम का, चलिए। ये जो मडी वाटर है ये जंस्कार रिवर है, ये क्लियर ब्लू वाटर है, ये इंडस रिवर है। यहाँ संगम होता है। अब इतना अच्छा व्यू है तो फोटोज और रील तो बनता है। बहुत सारे फोटोज और कुछ रील्स के बाद हम वहाँ से निकलते हैं और आगे बढ़ते हैं मैग्नेटिक हिल्स की तरफ। तो गाड़ी खड़ी करनी है वाइट लाइंस पे, और यहाँ देखो मैंने गाड़ी न्यूट्रल पे छोड़ दिया है और पैर हटा लिया। हाँ, आगे जा रही है। जबकि ये ऊपर है, रुको यहाँ देखो, जबकि ये ऊपर है गाड़ी आगे जा रही है, मैंने न्यूट्रल पे रखा है और मैं पैर भी मेरा कहीं नहीं है। देखो कहाँ तक जाएगी ऐसे, पता नहीं। अरे फास्ट हो गई, फ्रीक फीलिंग लाइक आप ड्राइव कर रहे हो। ब्रेक दे दो। अब आप ड्राइव करो। अरे भारी ये तो हमारा थर्ड स्पॉट भी कंप्लीट हो गया। फर्स्ट वॉज गुरुद्वारा, सेकेंड वॉज संगम एंड थर्ड वॉज मैग्नेटिक हिल। हमारा फोर्थ स्पॉट क्या है? शांति स्तूप या फिर हॉल ऑफ फेम, जो आ गया रास्ते पे। ओके, हमें सारे ही रास्ते पे ही मिल गया, एक्चुअली हमें कहीं सर्च ही नहीं करना पड़ा। जबरदस्त है ये तो, देखो जबकि ये ऊपर है, दिख रहा है रास्ता ऊपर है ऐसा।
हमने यूट्यूब पे कई बार देखा था पर कभी समझा नहीं कि ऊपर होके भी कैसे ये जा रहा है। वहाँ से नीचे है पर जहाँ चढ़ रहे थे वो ऊपर था, ऐसे ऊपर था। हाँ वो ऊपर था फिर भी वो चढ़े जा रहा था अपने आप, इसलिए तो उसे मैग्नेटिक हिल कहा गया। यहाँ हम थोड़ा रील बनाने की कोशिश कर रहे थे पर पता नहीं इनको बीच में क्या दौरे पड़ जाते हैं, अपने आप ही अलग सा कुछ नाचने लग गए। देखो इनको सिखाना ना, मतलब सीरियसली यार। वो देखो हेडफोन्स का प्लेन डांस करने की मिलता कर रहे हो। हाँ गो इतनी जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं ना कुछ भी करने से पहले, पर यहाँ तो हम दोनों ही डिस्ट्रैक्टेड है बिकॉज हमारे ऊपर से एयरफोर्स का प्लेन जा रहा था। एयरफोर्स का है इंडियन आर्मी। हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी एक एयरप्लेन दिखाई थी जो इंडियन आर्मी की थी, और ये वाली जो प्लेन आप देख सकते हैं ये भी इंडियन आर्मी की ही है। इतनी कोशिशों के बाद भी मेरा वीडियो कुछ बना नहीं अच्छा, तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी और हमने वहाँ से अपना सामान पैक करके कैमरा बंद करके हम निकल रहे हैं वापस हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो शायद हॉल ऑफ फेम होगा। आपको दिखाते हैं। सो हम आ चुके हैं हॉल ऑफ फेम में। अब हमने अंदर क्या क्या किया और क्या क्या देखा उसको देखने के लिए आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना पड़ेगा। टिल देन बाय।